एक बार फिर मोदी लहर चल निकली, जनता ने मोदी सर को भरपूर समर्थन दिया है। आप मेरे साथ देख सकते हैं किस प्रकार युवाओं ने पुर्रा मोड़ चौड़ाई पर जमकर मिष्ठान वितरण किया है। उनका मानना है कि जहां मोदी सरकार दोबारा से बनने जा रही है, वहीं फतेहपुर सीकरी के राजकुमार चहार 1,00,000 मतों से लगभग आगे चल रहे हैं, तो जीतने की खुशी में पहले ही मिष्ठान वितरण कर दिया है। जोब सिंह सक्सेना, आगरा। सर क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? अभी अभी जो मिष्ठान वितरण हो रहा था, भाजपा के लिए हो रहा था या किस लिए हो रहा था? भाजपा के सिलसिला चल रहा है उसके लिए हो रहा था। जो हमारे क्षेत्र के प्रत्याशी हैं राजकुमार चार जी, वो काफ़ी वोटों से आगे चल रहे हैं, उनकी जीत के लिए हो रहा था। अच्छा, आपने मान लिया कि उनकी जीत निश्चित है? कम से कम 3,00,000 वोटों से जीतेंगे। अच्छा, 3,00,000 वोटों से जीतेंगे वो, इसलिए आपने पहले ही मिष्ठान वितरण कर दिया? आतिशबाजी होगी। क्या नाम है? जितेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले? नगला सबरी, दिगरौता से। अच्छा, ये बताओ, अभी अभी आप टीवी देख रहे थे, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, जैसे सुबह से टीवी का जो रुझान आ रहा है, न्यूज चैनल का जो रुझान आ रहा है, उसको देखते हुए तो बीजेपी की बम्पर जीत प्लस मोदी लहर का क्रेज चल रहा है। अब देखा जाए तो जनता ने जो अपना रुझान दिया है वो राष्ट्रवाद के लिए दिया है, न कि किसी जाति समीकरण को देखकर। तो उसको देखते हुए लग रहा है कि हमारे क्षेत्र से फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र से राजकुमार चौहान जी का एक भारी बहुमत से विजयी होंगे, और जो मोदी लहर चल रही है वो प्रचंड है। लगभग कितने मतों से जीतने की आशंका है राजकुमार चौहान जी की? लगभग 2.5 से 3 लाख मतों की उम्मीद है, जैसे अभी रुझान के हिसाब से देखा जाए तो। तो क्या लग रहा है आपको, क्या उन्हें सरकार में मंत्री पद मिल सकता है? हाँ, देखो, लग रहा है इस तरह से मिलना चाहिए। मोदी जी अगर थोड़ा सा सही हुआ तो सब कुछ ठीक होगा, और लगता है वो हर चक से मंत्री पद के लिए जाते जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर ये बताओ, अब जो जिस प्रकार टीवी पर रुझान चल रहा है, उससे क्या लग रहा है आपको? आपको क्या लग रहा है, अगर राजकुमार जी जीतते हैं तो किस प्रकार के विकास कार्य कराएंगे? तो जो टीवी पर भाजपा सरकार बढ़त बनाए हुए है, भाजपा की जो सरकार बनने जा रही है, तो क्या लग रहा है जनता ने किस क्या सोच का समर्थन दिया है? जनता के पास कोई ऑप्शन ना है मोदी के नाम, और मोदी से बहुत सारी उम्मीद है। चाय से लेकर ढाबे तक टीवीओं पर मेरे साथ आप देख सकते हो, टीवीओं पर भाजपा समर्थक सुबह से ही जमे हुए हैं। टीवी की स्क्रीन पर भाजपा की बढ़त को देखते ही कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। वह एक बार फिर मोदी सरकार बनने की इच्छा लिए हुए सुबह से ही टीवी पर लगे हुए हैं। जैसे ही
सुबह के 8 बजे से ही मतगणना शुरू होते ही नतीजों का आना शुरू हुआ और जैसे जैसे नतीजे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे लोग टीवी की स्क्रीन से चिपके हुए हैं और देख रहे हैं किस प्रकार भाजपा को बढ़त मिल रही है। एक बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने पर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। आइए मेरे साथ जानते हैं क्या कहना है कार्यकर्ताओं का। चोप सिंह सक्सेना, आगरा। क्या नाम है आपका? राम दरियाव सिंह। कहाँ रहते हो? गढ़ी उसरा। आज यहाँ ये मिष्ठान वितरण किस खुशी में हो रहा था? राजकुमार चार की में। राजकुमार चार। राजकुमार चार कितनी वोटों से जीत रहे हैं? 1,00,000। 1,00,000 वोटों से आगे चल रहे हैं? आगे चल रही है। तो आपको क्या लग रहा है राजकुमार चार जीत जाएंगे? बिल्कुल 100% राजकुमार चार जीतेगा। इसी खुशी में हमने जो मेवा विस्तार वितरण किए यहाँ पे। तो आपको क्या लग रहा है राजकुमार चार जी को इस सरकार में मंत्री पद मिलेगा? हाँ, मंत्री पद मिलेगा। सर क्या नाम है आपका? राजाराम। अच्छा जी, अभी अभी यहाँ पर एक मिष्ठान वितरण हो रहा था, वो किस लिए हो रहा था? जी भाई साहब, मैंने अभी टीवी पे देखा है हमारे राजकुमार चार 1,00,000 वोटों से सबसे आगे चल रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने खुशी में खुर्राम उड़े मिठाई मिश्रण किया है और हम लोगों को सबसे 100% उम्मीद है कि हमारे राजकुमार चार सबसे आगे चलेंगे और सबसे आगे ही जाएंगे।